सो so गाइज आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि आपको वीकली एक्सपायरी में कभी एंट्री लेना चाहिए एज इन कौन से डे पर आपको एंट्री लेना चाहिए एंड कौन से टाइम पर आपको एंट्री लेना चाहिए ये सारी चीजों के बारे में जानेंगे आज की वीडियो में सो मेक श्योर यू स्टेक अराउंड अगर आपको ये टॉपिक इंटरेस्टिंग लगा एंड बिना कुछ देरी के हम वीडियो शुरू करते हैं सो गाइज बिफोर मूविंग फर्दर आपको डायरेक्शनल स्ट्रैटेजीज एंड नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटेजी में डिफरेंस आना चाहिए सो जस्ट टू गिव अ ब्रीफ मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ इन दोनों के बारे में सो लेट्स से यू आर एन ऑप्शन सेलर एंड आपका व्यू बैरिश है मार्केट्स पर सो so, आप क्या कर सकते हो गाइज आप एक कॉल सेल कर सकते हो या आप एक क्रेडिट स्प्रेड सेल कर सकते हो राइट कॉल क्रेडिट स्प्रेड अगर आपने सेल किया यू आर ऑन द मार्केट्स एंड आपको चाहिए कि मार्केट्स नीचे गिरे वेयर एज अगर आप एक ऑप्शन बायर हो तो आप क्या कर सकते हो आप एक पुट बाय कर सकते हो विच इज बेसिकली सेम कि अगर मार्केट्स नीचे जाता है तो पुट का प्रीमियम इंक्रीज होगा तो क्योंकि आपने पुट बाय किया है आपको प्रॉफिट वैसे होगा एंड लेट्स से आप एक नॉन डायरेक्शनल प्लेयर हो अभी तो आप क्या करने वाले हो आप एक स्ट्रेडल सेल करोगे या स्ट्रैंगल सेल करोगे ये सारी ऑप्शन स्ट्रैटेजीज के बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियोस बना के रखे सो so, इस वीडियो के बाद आप उनको भी देख सकते हो नाउ इन दोनों के बारे में डिफरेंस आना इसलिए जरूरी है क्योंकि काफी वेरी करेगा आपको किस दिन पर एंट्री करना चाहिए एंड इन पॉइंटर्स के बारे में जैसे वीडियो प्रोग्रेस होता है आपको समझ में आ जाएगा सो so, हम स्टार्ट करने वाले हैं डायरेक्शनल स्ट्रेटेजीज के साथ एंड उसके बाद हम बढ़ेंगे नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटेजीज पर हम पहले ये बात करेंगे कि आपको डायरेक्शनल स्ट्रेटजी में कभी एंट्री लेना चाहिए सो इस डायरेक्शनल स्ट्रेटजी के बारे में अगर हम बात करें तो आपने व्यू जो लिया होगा वो कैसे भी हो सकता है राइट अगर आपने चार्ट देखा एंड आपको एक क्लियर ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन दिख रहा है सो तो आप बोलोगे कि अगर ये एक ब्रेकआउट मुझे दिख रहा है तो आई एम बुलिश ऑन द मार्केट्स अगर आपको एक ब्रेक डाउन दिख रहा है तो यू आर बेरिश ऑन द मार्केट्स तो जनरली एक्सेप्ट फॉर फ्राइडे मेरा मानना यह है कि आप डायरेक्शनल स्ट्रेटजीज कभी भी यूज कर सकते हो मैं क्यों अगेंस्ट हूँ फ्राइडेज के बिकॉज आपने नोटिस ये किया होगा कि फ्राइडेज़ को काफ़ी फेक ब्रेकआउट्स एंड फेक ब्रेकडाउंस आते हैं एंड प्रीमियम्स भी काफ़ी स्पाइक होते हैं अगर हम येस्टरडे की ही बात करें जो था लास्ट ट्रेडिंग सेशन आज सैटरडे है एंड येस्टरडे वॉज फ्राइडे तो फ्राइडे को क्या हुआ गाइज आफ्टरनून सेशन में एक बड़ी सी फॉल आई एंड प्रीमियम्स पुट्स के बहुत तेजी से स्पाइक किए गए स्पेशली निफ्टी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ निफ्टी के प्रीमियम्स काफ़ी जोर से स्पाइक हुए एंड क्या हुआ हाफ एन आवर के बाद वो सारा प्रीमियम कोल ऑफ हो गया एंड मार्केट रिवर्स हो गया था सो so, ये चीजें आपको काफी कॉमनली दिखेंगी फ्राइडेस को कि प्रीमियम स्पाइक हो जाते हैं या फेक ब्रेकआउट हो जाते हैं या फेक ब्रेक हो जाते हैं इसलिए मैं अवॉइड करता हूँ फ्राइडे को ट्रेड करने के लिए एंड अगर मैं लेता हूं तो पोजिशन मैं एंड ऑफ डे लेता हूँ तो फ्राइडे को अगर आपका एक डायरेक्शनल व्यू बन रहा है ऑन अ क्लोजिंग बेसिस सो यू कैन टेक अ पोजिशन बट आई वुड जनरली वेट फॉर एंड ऑफ डे क्योंकि वो बहुत हैसल होता है फ्राइडे को एंट्रा डे में एंड मैं कंप्लीटली अवॉइड करता हूँ फ्राइडे को ट्रेड करने के लिए अगर मेरे ऑलरेडी कैरी फॉरवर्ड पोजिशंस है पिछले दिनों से तो ठीक है वरना मैं फ्रेश पोजिशन इनिशिएट नहीं करता ऑन फ्राइडेज बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया था काफी स्पाइक्स आते हैं एंड काफी फेक ब्रेकआउट्स एंड ब्रेकडाउन भी आते हैं सो डायरेक्शन स्ट्रेटेजी के लिए गाइज आप जनरली कभी भी एंट्री कर सकते हो वाई बिकॉज ये तो नहीं है गाइज की जो ब्रेकआउट आएगा या ब्रेकडाउन आएगा वो मंडे को ही आएगा या वो वेनजडे को ही आएगा वो कभी भी आ सकते हैं राइट बट सिर्फ इसमें कैवियत यह है कि फ्राइडे को आप अवॉइड कर सकते हो तो बेस्ट रहेगा क्योंकि जनरली फेक ब्रेकआउट और फेक ब्रेकडाउन के चांसेस काफी हाई होते हैं सो दिस वॉज फॉर डायरेक्शनल स्ट्रेटेजी गाइज अभी हम बात करेंगे नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटेजीज के बारे में सो नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजीज जैसे मैंने आपको बताया था आपको ये चाहिए कि मार्केट साइडवेज चले जाए एंड स्पाइक्स नहीं आए प्रीमियम में इनफैक्ट एक अच्छा था ग्रेजुअल डी के आए प्रीमियम सो नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजीज में आपको कभी पोजीशन लेना शुरू करना चाहिए इन माई ओपिनियन मंडे एंड ऑफ डे बेस्ट टाइम रहता है अगर आप एक नॉन डायरेक्शनल प्लेयर हो बिकॉज जनरली अगर आप एक नॉन डायरेक्शनल प्लेयर हो तो यू कैन इवन टेक अ पोजिशन जब भी आपका व्यू बहुत साइडवेज नहीं है यानी अगर आपका व्यू माइल्डली ट्रेंडिंग भी है तो भी आप पोजिशन ले सकते हो क्योंकि अगर छोटी सी भी ट्रेंड आई एंड बहुत फ्यस ट्रेंड नहीं आई तो भी दोनों साइड के प्रीमियम तो डी के हो नहीं है राइट और आप क्या कर सकते हो अगर आप एक नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी भी कर रहे हो एंड यू आर लिटिल बिट बुलिश तो आप क्या कर सकते हो पुट का जो प्रीमियम आपने सेल किया है वो थोड़ा सा हायर रख सकते हो एज कंपेयर टू कॉल्स तो जैसे अभी का मार्केट अगर हम लेते हैं तो इट्स बुलिश सिंपली हमें ट्रेंड दिखता है कि बुलिश है तो मैं क्या कोशिश करता हूं कि पुट का प्रीमियम ऑलवेज थोड़ा सा ज्यादा रखू एज कंपेयर टू कॉल्स क्योंकि मार्केट्स अर इन अप्रेंड एंड मेरा एक्सपेक्टेशन ये है कि जब तक ट्रेंड बैंड नहीं होता है जब तक एक रिवर्सल नहीं आता है हमको बुलिश ही रहना चाहिए बिकॉज यू नेवर नो मार्केट्स कहाँ पर जाने वाले हैं एंड ये अब ट्रेंड कभी तक खत्म होगी सो दैट्स वाई ऑलवेज बी विद द ट्रेंड सो मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी मेरे ट्रेड्स शेयर किए हैं सो इफ़ यू वॉन्ट टू ज्वाइन माई चैनल एंड सी माई ट्रेड्स लाइव मेक श्योर यू ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा या तो आप टेलीग्राम में जाकर माने का की भी सर्च कर सकते हैं आपको वो चैनल मिल जाएगा नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटेजीज में ऑल्सो वॉट यू कैन डू इज मंडे एंड ऑफ डे तो आप पोजिशन ले ही सकते हो बट जैसे मैंने आपको बताया था फ्राइडे को बहुत ज़्यादा स्पाइक्स आते हैं तो मैं किस चीज़ का वेट करता हूँ गाइज जब भी वो स्पाइक आता है मैं उसको वेट करता हूं कि वो क्या एक ट्रेंड बन रहा है कि एक रिवर्सल आ रहा है एंड लेट्स से कि एक रिवर्सल आता है एंड वो प्रीमियम फिर से कूल cool ऑफ करना शुरू कर देते हैं प्रीमियम आपको कैसे पता चलेगा गाइस कि स्पाइक हो रहे हैं या कूल cool ऑफ हो रहे हैं आप सिंपली क्या कर सकते हो आप एक स्ट्रैडल का प्राइस ले सकते हो स्ट्रैडल इज बेसिकली एट द मनी कॉल अगर आप सेल करते हो एंड एट द मनी पुट अगर आप सेल करते हो तो वो एक स्ट्रैडल बन जाता है सो so आप क्या कर सकते हो आप स्ट्रैडल का प्राइस ऑलवेज नोट करके रखो कितना चल रहा है एंड एवरी वन आवर और टू आवर आपको सिर्फ कंपेयर करना है कि स्टेडल का प्राइस इतना था एंड अभी इतना है तो अगर उसका प्रीमियम वैल्यू बड़ा है यू कैन से सेकैडल इज स्पाइकिंग एंड स्पाइक आपको तभी जनरली मिलेगा जब एक सडन अप मूव या डाउन मूव आ जाता है एंड फोर फाइव कैंडल्स कंटिन्यूअसली बड़े बड़े कैंडल्स आपको दिख रहे हैं एक ही डायरेक्शन में तभी स्टैडल में जनरली स्पाइक आता है एंड विक्स भी थोड़ा सा ऊपर चले जाता है सो so, जनरली आपको तभी स्पाइक दिखेगा एंड जब ही वो कूल ऑफ होना शुरू कर जाता है यानी ट्रेंड जब भी रिवर्स होना स्टार्ट कर देता है तभी आपको दिखेगा कि इस का जो प्राइस है वो फिर से घटने लगेगा तो मेरी कोशिश ये रहती है कि जब भी वो ट्रायल का प्राइस फिर से घटने लग जाता है मैं तभी एंट्री लेता हूं ऑन फ्राइडे अगर मुझे एंट्री लेना है वरना बेस्ट डे इन माई ओपिनियन इज मंडे एंड ऑफ डे एंड अगर फ्राइडे को एंट्री लेना ही है तो आई विल वेट फॉर द स्पाइक टू गेट ओवर एंड उसके बाद मैं एंट्री लेता हूं सो टू समराइज गाइज अगर आप एक डायरेक्शनल प्लेयर हो आप फ्राइडे को अवॉइड करके बाकी सारी दिन पोजिशन ले सकते हो एंड अगर आप एक नॉन डायरेक्शनल प्लेयर हो तो आप क्या कर सकते हो सिर्फ फ्राइडे को अवॉइड करो बट अगर आपको पोजीशन लेनी भी है फ्राइडे को तो आप वो स्पाइक का वेट करो एंड उसके बाद आप एक पोजीशन ले सकते हो जब भी प्रीमियम्स कूल डाउन होना शुरू कर देते हैं सो आई होप दिस वीडियो हेल्प यू गाइस मेक श्योर टू लाइक द वीडियो शेयर दिस वीडियो विद्रेंड्स एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल मैं आपको मिलता हूं अगले वीडियो में बाय बाय